गुड इवनिंग एवरी तो आज हम बात करेंगे वॉट इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है देखिए हम सभी समाज में रहते हैं समाज में रहने के लिए हमारे पास कुछ सिद्धांत होते हैं सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है समाज में ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी गोली मार दें या किसी का भी मर्डर कर दें या कोई भी किसी भी तरह का को कोई काम करें या क्राइम कर दें ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि समाज के पास भी कुछ सेट ऑफ़ रूल्स हैं कुछ वैल्यूज़ हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है यही सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में यानी कि कंपनीज के पास भी कुछ सेट ऑफ़ रूल्स होने चाहिए कि उसे किस तरह से काम करना है और इस तरह से काम नहीं करना है जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके जो होते हैं कस्टमर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक है उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में सो so बेसिकली अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस इज ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म बीच में इस्तेमाल की गई है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस यानी कि जब भी आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो यानी कि कंपनी का कुछ मैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में कोई कार्य चल रहा है तो उसमें आप किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं यह भी कॉरपोरेट गवर्नेंस में आता है एंश्योरिंग द लॉ इज़ फ्लॉवर द वे इंटेंडेंट एंड एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स वाई अफॉर्म फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत कार्य करें आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते कॉरपोरेट गवर्नेंस बात करता है एथिकल स्टैंडर्ड्स की मीटिंग द स्टेक होल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब देखिए कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि इम्प्लॉयज़ होते हैं कस्टमर्स होते हैं जनरल पब्लिक होती है ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं एंड कंप्लाइन विद द कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले आप समझिए कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है देखिए कंपनी जगह जगह अपने प्लांट लगाती है अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करती है जितनी भी उनकी सब्सिडीज कंपनीज होती हैं तो वो अर्थ का रिसोर्सेज यानी कि पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं तो कंपनीज़ की भी कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के लिए क्योंकि उससे लोगों को भी नुकसान पहुंचता है कई बार लोगों की ज़मीन चली जाती है बड़े बड़े प्लांट्स को इस्टैब्लिश करने के लिए तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपनीज़ की लोगों के लिए यानि कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनमें जो कॉरपोरेट्स हैं वो कैसे काम कर सकते हैं तो यानी कि कंपनीज़ को जो भी बेनिफिट होता है मान लीजिए 100 परसेंट का बेनिफिट हुआ है कंपनी को तो उसका मात्र 2 परसेंट आपको सोशल इश्यूज के लिए लगाना होगा जैसे कि गरीबी गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में तो गरीबी को ख़त्म करने के लिए किस तरह से कंपनीज कॉरपोरेट्स काम कर सकती है तो अगर प्रॉफिट होता है तो दो परसेंट आपको कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना होगा यानी कि आपकी क्या सामाजिक दायित्व आपका क्या है लोगों के प्रति आपका क्या दायित्व है ये सारी चीज़ें इट कंटेन्स पॉलिसीज एंड रूल्स टू मैंटेन ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑनर्स ऑफ द कंपनी अब कंपनी के ओनर्स कौन कौन होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट एंड वेरियस स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर्स में आपके एम्प्लॉइज हो गए कस्टमर्स हो गए गवर्नमेंट हो गई सप्लायर्स हो गए एंड द जनरल पब्लिक इनके बीच में एक अच्छा एटमोस्फेयर एक अच्छा एनवायरमेंट स्टैब्लिश करना ये एक मकसद है गवर्नेंस का अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे पहले आता है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही द मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी मैनेजमेंट होती है कंपनीज में उसके लिए जवाबदेही देनी पड़ती है किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए जवाबदेही देंगे शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो कंपनी के मालिक होते हैं जिनके शेयर्स होते हैं कंपनी में उसके बाद आपका आता है फेयरनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फेयरनेस गिव्स द शेयर होल्डर्स एंड ऑपर्चुनिटी टू वॉइस दियर ग्रीवानसिस एंड एड्रेस एनी इशूज रिलेटेड टू द वॉलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स देखिए कंपनीज में कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनकी एक हिस्सेदारी होती है तो उनके राइट्स का वॉयेशन ना हो इसलिए फेयरनेस भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यानी कि जो भी हो रहा है वो सामने दिखना चाहिए ताकि जो भी इश्यूज होते हैं शेयर होल्डर्स के राइट्स के वो रिजोल्व किए जा सकें उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है कॉरपोरेट गवर्नेंस में वो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता प्रोवाइडिंग द क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट ए कंपनीज़ पॉलिसीज कंपनी की पॉलिसीज क्या है प्रैक्टिसेस क्या है एंड द डिसीजंस दैट इफेक्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी सेम चीज़ है जैसे हमने फेयरनेस में देखा था वही चीज़ हम ट्रांसपेरेंसी में देख रहे हैं दिस हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड ए सेंस ऑफ ए टुगेदरनेस बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स तो इसमें एक इंटीग्रिटी देखने को मिलती है किसके बीच में मैनेजमेंट स्टाफ के बीच में और द स्टेक होल्डर्स के बीच में उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस अब देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने होते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि हम डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाते क्योंकि हमारे ऊपर भी एक वर्क लोड होता है या फिर हमारे ऊपर भी स्ट्रेस होता है कि हम कैसे डिसीजन लें या कैसे डिसीजन ना लें तो इंडिपेंडेंस भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉरपोरेट गवर्नेंस में कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आप उस डिसीजन को इंडिपेंडेंट होकर लीजिए किसी के दबाव में आके ना लीजिए डिसीजन शुड बी मेड फ्रीली विदाउट हैविंग एनी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं जुड़ा होना चाहिए इट इन्श्योर्स द रिडक्शन इन ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है डिसीजन में वो भी कम होना चाहिए कॉरपोरेट सजेस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस सजेस्ट करता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े हेड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एडवाइजर्स, so उसके बाद आता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी बात हमने शुरू में ही की कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लीगेट्स द कंपनी टू बी अवेयर ऑफ सोशल इशूज एंड टेक एक्शन टू एड्रेस दैम क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करता है कि कंपनी को सोशल मुद्दों के बारे में सामाजिक मुद्दों के बारे में पता है और उसको खत्म करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए इन दिस वे द कंपनी क्रिएट्स ए पॉजिटिव इमेज इन द इंडस्ट्री तो इसमें एक पॉजिटिव इमेज बनती है कंपनी की सोसाइटी में द फर्स्ट स्टेप टू द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू द प्रैक्टिस गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस तो यही था ओवरऑल कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में समझा तो यही है ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हमने क्लियर किया थैंक यू